Hello, in this video we will be solving some more question on trigonometric ratio. Question mein diya hua hai, taking theta is equal to 30 degree, verify each of the following. To hum kaise aise question ko banate hain? Sabse pehle hum dekho, first question ko hum let us solve. Hamara cos 3 theta diya hua hai left hand side mein. Kya diya hua hai? Cos 3 theta. To aap cos 3 theta ko kaise likh sakte ho? Cos 3 और थीटा के जगह पे आपका क्या दिया हुआ है 30 डिग्री तो आप रख दीजिए 30 डिग्री तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का वैल्यू हमें मालूम है क्या होता है cos 90 डिग्री cos 90 डिग्री 0 होता है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा 0 इसी तरीके से हम लोग राइट हैंड साइड में जो ये दिया हुआ है इसको आप कैलकुलेट कर लो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो क्या है 4 cos क्यूब थीटा तो आप 4 लिख दीजिए cos क्यूब थीटा मतलब आप इसको लिख सकते हो क्या cos थीटा का क्यूब लिख सकते हो आप लिख दीजिए cos थीटा का क्यूब माइनस आपका हो जाएगा 3 cos थीटा तो आप लिख दीजिए 3 cos थीटा नाउ थीटा का वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन में तो आपका हो जाएगा 4 cos क्या थीटा इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री आप लिख दीजिए 30 डिग्री इसका क्यूब माइनस 3 cos 30 डिग्री तो आपका एक अभी आप कैलकुलेट करोगे तो 4 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए या आप टेबल से भी देख सकते हो आपका कॉस 30 डिग्री क्या होता है रूट 3/2 होता है तो आप उसको पुट कर दीजिए रूट 3/2 इसका क्यूब कर दीजिए माइनस 3 इंटू कॉस 60 डिग्री क्या होता है आपका मैंने अभी जस्ट पुटअप किया तो रूट 3/2 आप रख दो आपका हो जाएगा रूट 3/2 जैसे ही आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4 इंटू 3 रूट क्यूब को जब आप क्यूब में करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3 रूट 3 ठीक है नीचे आपका आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 का क्यूब है तो वो आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा माइनस ये आपका हो जाएगा 3 और ये रूट 3 है तो रूट 3/2 अभी आप यहाँ से देखो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 तो आप देख सकते हो क्या लेफ्ट 3√3/2 माइनस 3√3/2 आपका बचता है तो इन दोनों का क्या होगा सब्ट्रैक्शन 0 होगा नाउ यू कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यही हमें प्रूव करना था तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसी तरीके से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में टेन टू थीटा तो लेफ्ट हैंड साइड आप लिख लीजिए टेन टू थीटा तो टेन क्या हो गया टेन टू इंटू क्या हो जाएगा 30 डिग्री इसका मतलब आपका हो जाएगा क्या टेन 60 डिग्री 2 इंटू 30 क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री हो जाएगा 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है रूट 3 होता है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा रूट 3 आ जाएगा राइट हैंड साइड को आप कैलकुलेट कर लो राइट हैंड साइड में आपका है 2 tan थीटा देखो वैल्यू आप आराम से लिखना नहीं तो गलत होने का संभावना रहता है 1 - tan स्क्वायर थीटा है ना tan स्क्वायर थीटा आप रख दीजिए आपका बन जाएगा इक्वेशन क्या आपका इक्वेशन बन जाएगा 2 tan 30 डिग्री बाय 1 - tan 30 डिग्री का
होल स्क्वायर बनेगा ना। अभी आप वैल्यू रख दो तो आपका हो जाएगा 2 × 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है। आप कर दो 1/√3 और नीचे में आपका डिनोमिनेटर में हो जाएगा क्या 1 − 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, अभी हमने हम लोगों ने रखा 1/√3। आप कर दो 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा ऊपर में 2/√3 और नीचे में आपका आ जाएगा 1 − 1/√3। ये √3 स्क्वायर में 3 हो जाएगा। आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा √3। तो यहां से भी आपका देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमारा है sin 3θ। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या बन जाता है sin 3θ का मतलब हो गया sin 3 × 30 डिग्री, तो sin 90। और sin 90 डिग्री का क्या वैल्यू होता है आप लोग को मालूम है, sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या है 1 होता है, तो आप 1 लिख दीजिए। इसी तरीके से राइट हैंड साइड आप कैलकुलेट करोगे आपका हो जाएगा 3 sin θ −4 sin³θ sin³θ। तो ये आपका हो जाएगा 3 × sin 90 डिग्री आप लिख सॉरी sin 30 डिग्री, थीटा की जगह पे 30 डिग्री रख दो आप, −4 × sin 30 डिग्री का होल क्यूब हो जाएगा, sin 30 डिग्री का होल क्यूब। इसका वैल्यू रख दीजिए आप, ये हो जाएगा 3 × sin 30 डिग्री क्या होता है, sin 30 डिग्री होता है 1/2 होता है ना, 1/2 −4 × sin 30 डिग्री रख दीजिए 1/2 का होल क्यूब। कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3/2 माइनस ये हो जाएगा 4 × 1/8 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 1/2 आप कैलकुलेट करोगे तो 3/2 −1/2 हो जाएगा, मतलब 2/2 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 2/2 = 1। ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 है, राइट हैंड साइड 1 है, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इजीली इस तरीके से बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड डे, बाय।